नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि गूगल मैप से आप किस तरह से लाइव लोकेशन अपनी शेयर कर सकते हैं। और शेयर करने के लिए उसमें दो ऑप्शन दिए रहते हैं, तो जिसमें से एक ऑप्शन बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का ऑप्शन है। अगर आप किसी का लाइव लोकेशन ट्रैक करना चाहते हैं, आपका फैमिली मेम्बर है वो और उसका लाइव लोकेशन आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, किस तरह से आप उसका लाइव लोकेशन जान सकते हैं, तो इसकी ज़रूरत तब दोस्तों पड़ जाती है कि कभी अगर आपके घर के बच्चे बाहर जाते हैं और टाइम से वापस नहीं आते हैं, या घर के अन्य सदस्य घर से बाहर जाते हैं और वो आपकी कॉल पिक नहीं करते हैं और टाइम से घर पे वापस नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में आप उनका लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं और उन तक पहुंच सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से ये सेटिंग आपको करनी होगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में दो मोबाइल फ़ोन हैं, तो इस मोबाइल फ़ोन का लाइव लोकेशन ट्रैक करेंगे इस मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा, यहाँ पे हम जो है गूगल मैप को ओपन कर लेंगे। और गूगल मैप को ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर आपका प्रोफाइल पिक्चर दिखाई पड़ेगा, तो प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लोकेशन शेयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ से आप जो है लोकेशन शेयर करते हैं अपनी लाइव लोकेशन। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लाइव लोकेशन शेयर करने के बाद भी कुछ टाइम लिमिट होती है, उस टाइम तक लोग जो है आपको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो आपको हम बताना चाहेंगे, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यहाँ से अगर इस पे आप सेलेक्ट करके किसी को लाइव लोकेशन अपनी शेयर करते हैं, तो वो आपको कंटिन्यू फॉलो कर सकता है जब तक आप इस ऑप्शन को ऑफ नहीं करेंगे। तो ये इसका नाम है सेकेंड वाला, आप देख सकते हैं अनटिल यू टर्न दिस ऑफ, जब तक आप इसको ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक करते रहेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं फॉर वन डे, वन डे के लिए आप जो है लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, या फिर कितनी देर के लिए आप लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं। इसमें मिनिमम जो है आप 15 मिनट के लिए लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं और मैक्सिमम एक दिन के लिए आप लाइव लोकेशन अपनी शेयर कर सकते हैं। लेकिन सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आप सेलेक्ट करते हैं, तो इस ऑप्शन से जो है जब तक इसको आप ऑफ नहीं करेंगे तब तक वो आपकी लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको जिसको शेयर करना है, जैसे कि इसका लाइव लोकेशन हमें ट्रैक करना है, तो इसके लिए यहाँ पर अपने कॉन्टेक्ट नंबर पर हम सेंड करेंगे इसका लाइव लोकेशन का लिंक। तो लाइव लोकेशन का लिंक सेंड करने के बाद जब भी ये पर्सन कहीं घर से बाहर जाता है या घर से बाहर होता है और हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि इसकी लाइव लोकेशन ट्रैक करने की, तो हम अपने मोबाइल से लाइव लोकेशन इसकी ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम जो है अपने नंबर पर इसका लिंक शेयर कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा और कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू आप जो है मैसेज के द्वारा इसका लिंक शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने शेयर कर लिया है और शेयर करने के बाद जो है आपको हम दिखाते हैं किस तरह से ट्रैक करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मैसेज को ओपन कर लेंगे, जैसा कि मैसेज आता है और मैसेज में लिंक होता है उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जो है ये हमें गूगल मैप पे रीडायरेक्ट कर देगा, गूगल मैप पे हमें भेज देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोजी टेबल 89% बैटरी है, बैटरी जितनी होगी वो भी शो करेगा, और इनकी लोकेशन क्या है वो भी दिखा रहा है, और डायरेक्शन भी यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं राइट साइड में नीचे डायरेक्शन लिखा हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो गूगल मैप जो है हमें इसका रूट दिखा देगा, किस रूट से इस लोकेशन, इस मोबाइल के लोकेशन तक पहुँचना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे हमने जैसे ही डायरेक्शन पे क्लिक किया तो ये हमें रूट बता देगा कितनी दूर है। तो जैसा कि दोस्तों अभी देख सकते हैं कि दोनों ही मोबाइल मेरे पास में हैं, लेकिन यहाँ पे 10 मीटर की दूरी दिखा रहा है, तो ये जो है नेटवर्क की वजह से हो सकता है। और इसमें
कितनी एक्यूरेसी सेलेक्ट है उसकी वजह से हो सकता है। जो इन दोनों मोबाइल की लोकेशन है तो उस लोकेशन की तरफ जो है ये ब्लू डॉट बढ़ रहा है धीरे धीरे, यानी कि जैसे ये, तो दोस्तों नेटवर्क की वजह से हो सकता है कभी कभार इसमें डिस्टेंस दिखाए। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ब्लू डॉट जो है एक ही पॉइंट पे दोनों पहुंच गए हैं, और जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल मेरे पास में हैं, यानी कि एक ही पॉइंट पे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है जब तक उस ऑप्शन को ऑफ नहीं किया जाएगा तब तक आप कंटिन्यू उस मोबाइल का लाइव लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप लाइव लोकेशन शेयर करना चाहते हैं, और शेयर करने के लिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट नंबर पे आपको ऑप्शन जो मिलता है उसमें 15 मिनट से एक दिन के लिए आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं, यानी कि जितना टाइम आप सेलेक्ट करेंगे उतनी देर के लिए आपके लाइव लोकेशन का लिंक वर्क करेगा, और उसके बाद जो है वो लिंक एक्सपायर हो जाएगा और वो लिंक काम नहीं करेगा। तो आप जब भी शेयर करें अपनी लाइव लोकेशन तो टाइमिंग का ध्यान रखें कितनी देर के लिए आप लाइव लोकेशन शेयर कर सकते हैं। और सेकंड वाला ऑप्शन हमने आप लोगों को इसलिए बताया कि अगर आपका फैमिली मेंबर, घर के बच्चे कहीं बाहर जाते हैं और आपका कॉल पिक नहीं करते हैं, टाइम से घर वापस नहीं आते हैं, तो उस कंडीशन में ये सेकेंड वाला ऑप्शन बहुत ही कारगर है। तो दोस्तों अगर आपके घर के बच्चे या घर के फैमिली मेंबर बाहर जाते हैं और इस तरह की आपको कोई आशंका होती है तो आप उनके मोबाइल में गूगल मैप को ओपन करके और सेकेंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके उनका जो है लाइव लोकेशन अपने मोबाइल पे सेंड कर लें। इस तरह से आप उनके लाइव लोकेशन को ट्रैक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आगे भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।